सब्सक्राइब कीजिए लॉ अपडेट्स यूट्यूब चैनल को और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करें न्यू लॉ रिलेटेड जानकारी के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को शॉपलिफ्टिंग के बारे में बताने जा रहा हूं कि शॉपलिफ्टिंग क्या है, क्या ये एक अपराध की श्रेणी में आता है, यदि है तो इससे शॉपलिफ्टिंग अपराध की सजा क्या होगी। क्या है शॉपलिफ्टिंग? शॉपलिफ्टिंग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द शॉप, जिसका मतलब है कि दुकान जहां लोगों की आवश्यकता के अनुरूप सामग्री मिलती है, और दूसरा शब्द लिफ्टिंग है, जिसका मतलब उठाना होता है। अब जब कोई व्यक्ति किसी दुकान से किसी अमुक सामान को उठाकर दुकान के मालिक की अनुमति या उसको बताए बिना या उसकी नजरों से छिपाकर अपने बैग में डाल लेता है, जो कि उसने चोरी का काम किया है, इसी को हम शॉपलिफ्टिंग कहते हैं। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि दुकान से सामान चोरी करना शॉपलिफ्टिंग कहा जाएगा, जो कि चोरी की श्रेणी में आता है और यह दंडनीय अपराध है। क्या शॉपलिफ्टिंग अपराध की श्रेणी में आता है? यदि है तो किस अपराध की श्रेणी में? जैसा कि उपयुक्त परिभाषा में बताया गया है कि शॉपलिफ्टिंग का मतलब है कि दुकान से सामान की चोरी करना, जो कि एक अपराध की श्रेणी में आता है, और इस अपराध की सजा का प्रावधान भी किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 378 में चोरी के बारे में बताया गया है कि चोरी किसे कहते हैं, और अधिनियम की धारा 389 में चोरी की सजा का प्रावधान किया गया है। शॉपलिफ्टिंग अपराध की सजा क्या होगी? शॉपलिफ्टिंग अपराध की सजा वही होगी जो सजा चोरी के अपराध की होती है, क्योंकि शॉपलिफ्टिंग का अर्थ है दुकान के सामान की चोरी करना। जब बात चोरी की आती है तो ऐसे अपराध को कारित करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाना भी आवश्यक है। भारतीय दंड संहिता की धारा 389 में चोरी की सजा का प्रावधान किया गया है। जो व्यक्ति चोरी करेगा उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा से दंडित किया जाएगा, या इस कारावास की सजा को 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी।